इंदौर में फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। फिर एक बदमाश ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया था। युवक घायल हालत में दौड़ लगाता हुआ अपने घर के पास पहुंचा, जहां लोगों ने घायल देख युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन रविवार की सुबह घायल युवक विशाल की मौत हो गई। मलारगंज थाना क्षेत्र के राज मोहल्ला में देर रात गंगवाल चौराहा से अपने घर जा रहे विशाल पांचाल नामक युवक को हरिजन कॉलोनी में बाबा खरे नामक बदमाश ने रोककर पुरानी रंजिश का बदला लेते हुए चाकुओं से हमला कर दिया था। विशाल ने अपनी जान बचाते हुए अपने घर तक घायल अवस्था में ही दौड़ लगाई थी, लेकिन आज रविवार सुबह विशाल पांचाल की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस अब हमलावर बाबा खरे की तलाश कर रही है। ये हरिजन कॉलोनी के से इनकी शुरुआत हुई थी छोटी मोटी विवाद पे से, और फिर ये गंगवाल बस स्टैंड गया था सिगरेट पीने और उधर से आ रहा था, तो इनके साथ वारदात हो गई। कौन लोग थे वारदात? वो बाबा खैरे, ये बाबा खैरे ने उनको दो तीन चाकू मारे हैं, और उसके बाद ये गाड़ी छोड़ के भाग के आया। गाड़ी के भी अभी तक पते नहीं कहाँ है। उसके बाद जो चाकूबाजी हुई, उसके बाद उसके परिजन एम्बाय हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पे उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसने ये घटना की है, अभी वो अज्ञात है और फरार है।